हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल थ्री वर्ल्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी सुबह के 5:04 हो रहे हैं और मैं यहाँ पर पढ़ने बैठ गई हूँ। और आज मैं सुबह 4:30 ही सोकर उठी थी और मुझे एकदम आज पढ़ने का मन नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे और ज़्यादा सोना चाहिए था। बट मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि पढ़ाई कभी भी मूड के हिसाब से नहीं होती है। आपको मूड करे या नहीं करे, आपको पढ़ना तो है ही, क्योंकि पढ़ाई को हम कभी भी ऑप्शन में नहीं डाल सकते हैं। तो बस इसीलिए पढ़ाई करने में बैठ गई थी। और इसके बाद मैं पढ़ रही थी सबसे पहले आज हिस्ट्री, और हिस्ट्री में मैंने गांधी युग जो स्टार्ट कराया था सर ने, उसे आज मैं पहले रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि कल मैंने इसी का लेक्चर अटेंड किया था। और मैं यहाँ पर बोल बोल कर पढ़ रही थी, क्योंकि जब भी मुझे नींद आती है ना तो मैं ज़ोर ज़ोर से बोल कर पढ़ती हूँ, जिससे क्या होता है कि मेरी नींद भाग जाती है। और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि अगर मैं बोल बोल कर नहीं पढ़ूँगी तो मैं कहीं खो जाऊँगी, कुछ और सोचने लग जाऊँगी। तो इसीलिए मैं हमेशा बोल कर पढ़ना प्रेफर करती हूँ। आज मैंने टाइमर नहीं लगाया है, क्योंकि आज का टारगेट कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। आज मैंने सोचा है कि हिस्ट्री में जितने भी मेरे बैकलॉग्स हैं सबको आज एक ही दिन में कंप्लीट करना है, सबके नोट्स बनाने हैं, पूरी वीडियो को भी अच्छे से देखना है। तो इसीलिए आज मैंने टाइमर नहीं लगाया है, क्योंकि जब मैं टाइमर लगा देती हूँ तो 7 आवर्स के बाद मेरा दिमाग कहता है कि ठीक है, अब बस बहुत हो गई पढ़ाई, अब मत करो, या फिर बहुत ज़्यादा थकान होने लग जाती है। तो आज इस चीज़ से खुद को थोड़ा रिलैक्स रखना चाहती हूँ और केवल हिस्ट्री के नोट्स बनाना चाहती हूँ और अच्छे से पढ़ना चाहती हूँ। वैसे शुरू शुरू में टाइमर लगा कर पढ़ना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि हम 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 7 घंटे पढ़ रहे हैं, बट हम ये नोटिस नहीं करते कि कभी कभी हम बीच में किसी का कॉल आ जाता है तो फ़ोन पर बात भी करने लग जाते हैं, कभी कभी यूट्यूब के नोटिफिकेशन आ जाता है या फिर कोई और ऐप का आ जाता है तो वो भी देखने लग जाते हैं। तो ऐसे में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। बट आप जब टाइमर लगा कर पढ़ेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि एक्चुअल में आपने कितनी स्टडी की है। हम जो सोचते हैं कि हमने 7 से 8 घंटे की पढ़ाई की है, एक्चुअल में वो जब टाइमर लगा के आप ट्रैक करिएगा तब आपको पता चलेगा कि आपने 5 से 6 घंटे की ही पढ़ाई की है। तो बस मेरा टाइमर लगाने का रीज़न यही है। बट हाँ, अगर आप रेगुलरली टाइमर लगा के पढ़ते हैं तो आपकी कंसिस्टेंसी डेवलप हो जाती है और फिर आपकी एक हैबिट भी फॉर्म हो जाती है। आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो देखने में कैसे अच्छी लगती है, टाइमर लगा कर या फिर बिना टाइमर लगाए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल का तड़का और इसके साथ ही रोटियाँ। और मैं आपको बता दूँ कि अभी मुझे ज़्यादा पढ़ना होता है तो अपना टाइम सेव करने के लिए मैं दाल चावल सब कुछ सुबह में ही प्रिपेयर कर देती हूँ, ताकि मुझे दोपहर में कोई टेंशन ना हो और दोपहर में मुझे डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि अगर दोपहर में भी काम करने जाते हैं इतनी गर्मी में तो हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और उसके बाद फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो बस इसी वजह से मैं सुबह में ही सब कुछ बना कर रख देती हूँ। अभी मेरी सासू माँ की गर्मी छुट्टियाँ चल रही हैं तो वो भी सुबह सुबह मेरे किचन में हेल्प कर देती हैं, तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है काम करना और काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। कोई आपके किचन में आधे घंटे की भी हेल्प कर देना तो बहुत ज़्यादा काम जो है किचन का आसान हो जाता है। आजकल ना मैंने एक ट्रिक सीखी है, मैं कोई भी काम करने से पहले ना खुद से क्वेश्चन पूछती हूँ, खुद से पूछती हूँ कि क्या ये काम करने से मुझे मेरे स्टडीज़ में बेनिफिट मिलेगा। अगर आंसर हाँ होता है तो मैं वो काम कर देती हूँ, और अगर नहीं होता है तो मैं वो काम नहीं करती हूँ। और आपको बताऊँ, इस ट्रिक को फॉलो करने से ना मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिली है। जैसे सुबह में दाल चावल मैं बना देती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि हाँ, ये काम करने से मुझे दोपहर में बहुत सारा टाइम मिल जाता है तो मैं वो काम कर देती हूँ। और इसी तरह से जब मैं रात में सोने जाती हूँ तो रात में सबकी आदत होती है कि मोबाइल लेके 10-15 मिनट तक, या कोई कोई तो 1-2 घंटे तक स्क्रॉल करते रहते हैं रील्स पे या फिर शॉर्ट्स पे। तो मैं वहाँ पर भी खुद से क्वेश्चन पूछती हूँ कि हाँ ठीक है, अगर मैं रील्स देख रही हूँ, शॉर्ट्स देख रही हूँ, तो बेनिफिट क्या है इसका, मेरे स्टडीज़ में कुछ हेल्प मिल भी रहा है या नहीं। तो फिर आंसर आता है नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, या तो कुछ मोटिवेशनल देख लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं फ़ोन ऑफ करके सोने चली जाती हूँ। तो इस तरह से अगर आप खुद से क्वेश्चन पूछेंगे ना तो आपको बहुत सारे पॉजिटिव आंसर्स मिलेंगे और आप इस तरह से खुद को गाइड कर सकते हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको खुद को गाइड करना है, तो अगर आपको खुद को गाइड करना है तो आप कोई भी काम करने से पहले आप खुद से ये क्वेश्चन पूछिए, और जब आप इसका एकदम ट्रू आंसर आपको मिल जाएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे अपना टाइम जो है वो सेव कर सकती हैं। और आज मेरी 75 हार्ड चैलेंज का day 2 है, और मैं आपको बता रही हूँ कि इसका नाम सही में एकदम सही रखा गया है, 75 हार्ड, क्योंकि ये असली में बहुत हार्ड है करना। क्योंकि देखिए, कल जब मैंने फर्स्ट डे एक्सरसाइज किया था तो आप बहुत दिनों के बाद एक्सरसाइज करेंगे तो आपके पैर में थोड़ा दर्द हो जाता है, बट मैंने 75 हार्ड चैलेंज लिया है तो मैं इसे आज भी करूँगी और लगातार 75 डेज तक करूँगी। तो मुझे लगता है कि इसीलिए इसका नाम हार्ड है।
तो इसे पूरा करना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं 75 डेज तक कंसिस्टेंट रहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है जब मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं इसे 75 डेज तक पूरा कर लूँगी तो मेरे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो बस उसी चेंजेस को, रिजल्ट को याद करके मैं प्रोसेस पर ज़्यादा ध्यान देने लग जाती हूँ। तो फाइनली सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं वर्कआउट करने आ गई हूँ और मैंने यहाँ पर फ्री ट्रेनिंग मोड ऑन कर दिया। और मेरे से बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कि आप कौन सा वर्कआउट करती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं जोआना शो का वॉकिंग वर्कआउट करती हूँ। ये वाला वर्कआउट मैंने आज किया था और इस वर्कआउट को करने के बाद मैंने टोटल 400 कैलोरीज बर्न किए हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप वर्कआउट करते हैं तो बीच में आपको जब कभी भी फील होता है कि आपको रेस्ट करना चाहिए 10 सेकंड 20 सेकंड एक्स्ट्रा, तो आप उस समय रेस्ट करने लग जाइए, क्योंकि ये टोटली सिर्फ आपकी जर्नी है और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो इसीलिए कभी भी खुद को कंपेयर मत कीजिएगा वीडियो में कि जो वीडियो में कर रहा है वो तो बहुत अच्छे से कर रहा है, मेरे से तो नहीं हो रहा है। तो आप ये भी देखिए कि वो लोग कितने फिट होते हैं। तो इसीलिए कंपेयर मत कीजिएगा खुद को। जब भी आपको लगे कि बीच में पानी पीने की ज़रूरत है या फिर आपको थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है, तो आप उस समय कर लिया करिए। खाना खाने के बाद मैं दोबारा से लग गई हूँ पढ़ाई में। और आप अभी मैं सेकंड स्लॉट में करंट अफेयर्स पढ़ने वाली हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि करंट अफेयर्स की केवल मेरे 3 क्लासेस बची हुई हैं, और जब मैं 3 क्लासेस को अटेंड कर लूँगी तो करंट अफेयर्स का भी मेरा पोर्शन जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। और इसके बाद तो मुझे आज पूरे दिन में हिस्ट्री ही पढ़ना है। हाँ, बट करंट अफेयर्स को मैं मिस नहीं करती, मुझे लगता है कि हर दिन इसे पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद का जो टॉपिक है वो बिहार से रिलेटेड है। 3 वीडियो सर ने प्रोवाइड की है जो कि बिहार करंट अफेयर्स पर बेस्ड है। तो इसको ख़त्म करने के बाद मैं 3 दिन में बिहार के भी करंट अफेयर्स एक एक बार देख लूँगी और उनका नोट्स बना लूँगी और फिर उनको लर्न कर लूँगी। इसके बाद मेरा एक पार्सल आया था और इसके अंदर है वेट मशीन। जब मैं रांची में थी तब भी मैंने एक वेट मशीन परचेज़ किया था, तो वो मैंने अपनी बहन के लिए छोड़ दिया। यहाँ पर मैंने न्यू मंगवाया है। उस समय तो मैं अपने जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाई थी क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा मेरा बीच बीच में ख़राब भी हो रहा था, और साथ ही साथ ये मैं KVS PRT के इंटरव्यू के प्रिपरेशन पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी, बट रिज़ल्ट तो आया नहीं और मैं प्रिपरेशन भी नहीं हो पाया, और साथ ही साथ मेरी वेट लॉस जर्नी भी बीच में ही छूट गई। तो बस आज मैंने ये मंगवा लिया है और इसके बाद मैं आपको वेट करके दिखाऊंगी कि मेरा वेट कितना है, और देखते हैं कि 75 हार्ड चैलेंज में मैं कुछ वेट लॉस कर भी पाती हूँ या नहीं। तो मेरा जो वेट है वो अभी तक 65 ही है और एक भी कम नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप रेगुलर नहीं करेंगे ना कोई चीज़ तो आपका वेट ऐसे भी कम नहीं होने वाला है। बट हाँ, अभी 75 हार्ड चैलेंज में देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद मैं हिस्ट्री पढ़ने लग गई थी। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप शशि शरण सर से हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको हिस्ट्री से लिटरली प्यार हो जाएगा, क्योंकि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत डेप्थ में पढ़ाते हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट भी किया था, उन्होंने कहा था कि आप एक ही सोर्स पर मत डिपेंडेंट रहिए, आप अलग अलग जगह से भी पढ़िए। बट मुझे लगता है कि जितना कंटेंट ये दे रहे हैं उतना अगर कोई पढ़ ले तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहले तो मुझे इनके कंटेंट को पूरा करने में ही, लर्न करने में और MCQ सॉल्व करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, और जब इनका कंटेंट मैं कंप्लीट कर लूँगी उसके बाद मैं किसी और सोर्स को फॉलो करूँगी। अभी करेंटली मेरे केवल 2 सोर्स हैं, एक तो ऑफिसर्स एकेडमी से जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं वो सारा पढ़ती हूँ, और दूसरा है NCERT सार संग्रह। क्योंकि सीधे सीधे हमारे सिलेबस में कहा गया है कि SCERT के बुक को पढ़ना है, तो NCERT सार संग्रह इनफ है मुझे लगता है। तो इसीलिए NCERT सार संग्रह को फॉलो कर रही हूँ और द ऑफिसर्स एकेडमी के बैच को। लेकिन यहाँ पर भी जो सर है ना वो SCERT के बुक को ध्यान में रखकर ही कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि उससे थोड़ा हाई लेवल का कंटेंट भी हमें पढ़ाते हैं, इतना ज़्यादा कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा NCERT से तो वो आपका आपसे छूटेगा नहीं एग्ज़ाम में, आप आराम से उसको टिक कर पाएंगे। आप ये मत समझिएगा कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो है, सर सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और मीन्स कि ये सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि इनकी तारीफ़ तो हर एक स्टूडेंट करेगा। तो इसीलिए मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि आपको भी हिस्ट्री कहीं से पढ़ना हो तो आप शशि शरण सर से ही पढ़िएगा। मैं चेयर पर बैठकर लिखते लिखते थक गई थी, तो अभी मैं बेड पर आ गई थी पढ़ने के लिए, और अभी जितना भी सर पढ़ा रहे हैं उसके सारे नोट्स जो हैं मैं अच्छे से कंप्लीट कर रही हूँ, और फाइनली मैंने एक सेशन जो है और कंप्लीट कर लिया है, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितना कुछ लिखा है आज की डेट में, और बहुत सारा नोट्स आज बनाया है मैंने।
तो अभी मैं ले जाऊंगी आपको फर्स्ट पेज पर जहां से मैंने लिखना शुरू किया था आज के डेट में। तो आज मैंने शुरू किया था असहयोग आंदोलन से, फिर असहयोग आंदोलन के बाद मैंने पढ़ा साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन के बाद मैंने पढ़ा है स्वराज पार्टी, और स्वराज पार्टी के बाद मैंने पढ़ा 1923 का चुनाव, इसके बाद गांधीदास पैक्ट भी मैंने पढ़ा है, इसके बाद मैंने सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ा है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद मैंने पढ़ा दांडी यात्रा, और दांडी यात्रा के बाद मैंने पढ़ा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और अब बस इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकती थी, अभी मेरी 3 वीडियोज़ बाकी रह गई हैं। आज मैंने लगभग 5 वीडियोज़ देखी है और मुझे लगता है कि अब मुझे नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो फिर मैं थोड़ा सोने चली गई थी और लगभग 1 घंटे मैं सोई, और सोकर उठने के बाद मैं खा रही हूँ यहाँ पर पपीता। और मैं आपको बता दूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा हेल्दी डाइट मैं फॉलो कर रही हूँ। अगर और कोई दिन होता तो अगर अभी मैं सोकर उठती तो मैं कुछ और, मतलब मिक्सचर बिस्किट ऐसे कुछ खा लेती, बट अभी मैं खुद के लिए थोड़ा कॉन्शियस हो गई हूँ। और अभी इवनिंग स्नैक के लिए मखाना भूंज रही हूँ, और ये मखाना मुझे ऐसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। आजकल मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग की भी सोच रही हूँ। मैंने सोचा था कि मैं 16 आवर का फास्ट रखूँगी, बट फर्स्ट डे और सेकेंड डे मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने शाम में खा लिया था, शाम में 6 बजे तक, और उसके बाद मैंने रात में फिर से खा लिया क्योंकि मुझे भूख लग गई थी। बट हाँ, आज मैंने शाम को जो 6 बजे खाया था ना, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। तो 2 दिन प्रैक्टिस करने के बाद 3rd दिन मैं फाइनली सक्सेसफुल हुई हूँ। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग से सब लोग कहते हैं कि बहुत जल्दी आपको अपनी बॉडी में चेंजेस देखने के लिए मिलता है, बट लेट्स सी, अगर नहीं कर पाऊँगी तो मैं इसे छोड़ भी सकती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इसे एकदम कम्प्लीट ही करना है। मेरा मेन टारगेट जो है वो है 75 हार्ट चैलेंज, और देखिए मैंने सेकेंड डे भी 75 हार्ट चैलेंज को बहुत अच्छे से कम्प्लीट किया है। और ये टिक लगाने टाइम ना मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड ही फील होता है, लगता है कि चलो ठीक है, कम से कम डे 2 तक तो मैंने बहुत अच्छे से कर लिया। फिर शाम में लिट्टी बन रही थी, तो यहाँ पर मैं, मम्मी जी और पापा जी, हम तीनों मिलकर बना रहे थे। और ये देखिए, ये आग पर हम लिट्टी सेक रहे हैं, तो ये आग पर लिट्टी जनरली मेरे घर में पापा जी ही सेकते हैं, और मैं और मम्मी हम दोनों मिलकर गोला बना रहे हैं। और ऐसे फैमिली के साथ मिलकर काम करने में ना मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और मैं ऐसा कोशिश करती हूँ कि मुझे ऐसे छोटे छोटे फैमिली मोमेंट्स हमेशा लाइफ में मिलते रहें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के वीडियोस के साथ आपसे मिलते रहूँगी, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। और हाँ, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो तुरंत जाकर फॉलो कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।